हाय माय डियर ऑल, आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दो कदम में। आजकल उत्तराखंड देश भर में चर्चा में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये देश भर के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए तरह तरह की प्रतिक्रियाएं और सवाल उठना स्वाभाविक है। मुद्दा ये है कि उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। विधानसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर ये कानून बन जाएगा। यूसीसी के लिए उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में पेश किया जा रहा है, ताकि यूसीसी के प्रभावों को जाना जा सके। समान नागरिक संहिता का मकसद एक ऐसा कानून बनाना है जो राज्य में शादी, तलाक, भरण पोषण, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों में सभी धर्मों के लिए समान हो। बिल में अनुसूचित जनजाति को यूसीसी से बाहर रखा गया है, साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर नए कानून बनाए गए हैं। उत्तराखंड और यूसीसी को लेकर कई सवाल उठे हैं। उत्तराखंड छोटा सा राज्य, जहां कुल जनसंख्या का 85.5% आबादी हिंदू है, तो फिर उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के प्रभावों को समझने के लिए एक आइडियल मॉडल राज्य कैसे हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड BJP शासित प्रदेश है, या इसलिए कि 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में BJP ने UCC का वादा किया था, या फिर इसलिए कि उत्तराखंड में विधेयक को सदन में पास कराना आसान है? वैसे तो UCC को विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है, तो क्या UCC लागू होने से उत्तराखंड में विकास की गति बढ़ जाएगी? ये बात समझ से बाहर है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहा है। ऐसा राज्य जिसके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसा राज्य जो पलायन से त्रस्त है, जिस राज्य में 1700 गांव घोस्ट विलेज, भूथा गांव घोषित हो चुके हैं, जिस राज्य को बने 23 साल हो गए लेकिन राज्य की राजधानी का मसला हल नहीं हो पाया, जिस राज्य में मूल निवास और भू कानून जैसे अहम मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या ऐसे राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मायने रखता है? जहां की अधिकांश जनता को ना ही इस कानून से कोई लेना देना है और ना ही इस कानून के बारे में कोई जानकारी है। यूसीसी को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। अगर बिल प्रोग्रेसिव है, तो फिर राज्य की अनुसूचित जनजाति को यूसीसी से बाहर क्यों रखा गया है? अगर यूसीसी विकास का महत्वपूर्ण आधार है, तो क्या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को इससे वंचित रखना जस्टिफाइड है? ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि यूसीसी के लागू होने से कुछ अच्छा बदलाव आएगा, कुछ ऐसा होगा जिससे कि उत्तराखंड को याद किया जाएगा, लेकिन वहीं देश भर में यूसीसी के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहस छिड़ गई है। लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल को, चाहे फिर वह उत्तराखंड का मूल निवासी हो या ना हो, अपने रिलेशनशिप के बाबत जिले के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर रिलेशनशिप खत्म करना है, तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। अगर कपल रजिस्ट्रेशन किए बिना 1 महीने से ज्यादा लिव इन में रहता है, तो उस केस में 3 महीने की जेल या फिर 10,000 का फाइन हो सकता है। पुलिस जानकारी का वेरिफिकेशन करेगी, जानकारी गलत पाए जाने पर 3 महीने की जेल और या फिर 25,000 की पेनल्टी का प्रावधान भी है। हालांकि भारत की संस्कृति में लिव इन रिलेशनशिप जैसा कोई रिश्ता नहीं होता, बावजूद इसके ये नागरिकों की निजता पर दखलंदाजी होगी। जाहिर है कि सरकार पर्सनल रिलेशन को कानूनी जामा पहनाकर अपना कंट्रोल चाहती है। लिव इन रिलेशन को रजिस्टर करवाकर पब्लिक करना मतलब लिव इन रिलेशन को बढ़ावा देना है, जिससे कि समाज में तरह तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत
कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रह सकता है, इसके लिए शादी करना जरूरी नहीं है। आज का वयस्क जागरूक है और वो अपने अधिकारों की जानकारी रखता है। यूसीसी लागू होने पर सबसे ज्यादा असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ेगा, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ गैर प्रभावी हो जाएगा। जैसे जैसे यूसीसी को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया है। जिस तरह से हिंदू समुदाय में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां थी, उनके लिए विशेष कानून बने, जिस तरह से तीन तलाक के लिए कानून बना, ठीक उसी तरह से मुस्लिम समुदाय में पहले इद्दत, हलाला, एडॉप्शन, पॉलीगैमी को लेकर रिफॉर्म लाने होंगे। यूसीसी जल्दीबाजी में उठाया गया कदम लगता है, ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या ओपिनियन है, शेयर करिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।